फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा बानू। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और यम्मीएस्ट रेसिपी बोल रही हूँ, वो है प्याज की सब्ज़ी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एकदम राइट साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे ज़रूर से प्रेस करें और इससे प्रेस करके ऑल ऑप्शन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले और एकदम फ्री में मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है पैन। पैन में अब मैंने डाल लिया है ऑयल। ऑयल में फर्स्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ राई, मतलब मस्टर्ड डाल रहे हैं। ये जब चटपट करेगी तो देखिए, ये मैंने ले लिया है ऑनियंस एकदम बारीक कटे हुए, थोड़े ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा कोरिएंडर, बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये देखिए मैंने पहले डाल लिया है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड कर लूँगी। तो ये हो गया है फ्राई। अभी इसमें डाल लेते हैं ऑनियंस। ऑनियन आप एकदम से बहुत ही बारीक कटे हुए यूज़ करें यहाँ पर। तो इसके बाद मैं डाल लूँगी हमारे मसाले। मैंने डाल लिया हल्दी, ये देखिए मैंने डाल लिया धनिया पाउडर, और अब हम इसमें डाल लेते हैं चिल्ली पाउडर। आपने चिल्ली ऑलरेडी यूज़ की है तो थोड़ा सा मैं डालूँगी बिकॉज थीका हमारे घर में ज़्यादा खाते नहीं हैं। और ये मैंने डाल लिया है 1-2-3 मैगी मसाला। ये जो मसाला आप डालोगे ना तो सब्ज़ी एकदम से टेस्ट बहुत ही अच्छे से आएगी। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अब हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इसके साथ साथ फ्राई भी करेंगे। एकदम लो फ्लेम में रख के आपको पकाना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लें। और इसे जो फ्राई आप करेंगे ना, एकदम लो फ्लेम में फ्राई करेंगे और ये सब्ज़ी एकदम से आपको 2 या 3 मिनट में सब्ज़ी बन के एकदम से तैयार हो जाती है। तो अब देखिए मैंने इसे ढक कर रख लेना है फॉर 2 मिनट्स। बस 2 मिनट्स में जो है प्याज जो है अच्छे से बन जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हो गया। ऊपर से अब हम गार्निशिंग कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने कोरिएंडर लीव्स यूज़ किए हैं। तो बन के रेडी हो गई हमारी रेसिपी एकदम ईजीएस्ट वे। तो ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ सर्विंग प्लेट में। मैंने ये जो है चपातीस के लिए बनाया है। देखिए फ्रेंड्स चपातीस के साथ मैंने सर्व किया है, बहुत ही अच्छी है, आप भी ट्राई करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।